हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक कीड़े के बारे में बताता हूँ। इसको हम एंट्स कहते हैं, यानी चूंटियाँ। हम सब चूंटियों से वाकिफ हैं। ये छोटे कीड़े जो पिकनिक में हमारा खाना चोरी करते हैं, क्या आप जानते हैं कि चूंटियाँ बड़ी भी हो सकती हैं? स्याह रंग के अलावा इनका रंग और भी हो सकता है, यहाँ तक के इनके पर भी हो सकते हैं और ये उड़ भी सकती है। ज़ैल में बच्चों के लिए चूंटियों के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताए गए हैं, तो चलें हम इन हकायक को सुनते हैं। पूरी दुनिया में चूंटियों की 12,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम हैं। चूंटियां अपने वज़न से 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। अगर दूसरी जमात का तालिब इलम चूंटी की तरह मजबूत होता तो वो गाड़ी उठा सकता था। चूंटियों की कॉलोनियों को एक ही मलका चूंटी चलाती है, जो बाकी तमाम चूंटियों को कंट्रोल करती है। कुछ मलका चूंटियां कई साल तक जिंदा रह सकती हैं और लाखों बच्चे पैदा कर सकती हैं। चूंटियों के कान नहीं होते। चूंटियां अपने पैरों से ज़मीन में गड़गड़ाहट महसूस करके सुनती हैं। चूंटियों के फेफड़े नहीं होते। हवा इनके पूरे जिस्म में छोटे छोटे सुराखों से दाखिल होती है और निकल जाती है। जब चूंटियां लड़ती हैं तो ये आम तौर पर मौत के मुंह में जाती हैं। चूंटियां हर जगह पोशीदा रोटी के टुकड़े, जिसे फेरोमोन ट्रेल कहा जाता है, छोड़ देती हैं, ताकि वो जान सकें कि वो कहां गई हैं। मजदूर चूंटियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जब कोई मलका मर जाती है तो कॉलोनी आम तौर पर चंद माह बाद मर जाती है। चूंटियां चूंटी की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के खाने खाती हैं, बशमूल मीठे मीठे खाने। चूंटियां खुशबू, लम्स, हरकत, आवाज़ के जरिए बातचीत करती हैं। चूंटियों की तीन इकसाम हैं, मलका चूंटी, खवातीन वर्कर और नर। मलका और नर के पंख होते हैं, कारकुनों के नहीं होते। मलका वाहद चूंटी है जो अंडे दे सकती है। नर चूंटी का काम मुस्तकबिल की मलका चूंटियों के साथ मिलना है। एक बार जब मलका अंडे देने के लिए काफ़ी बूढ़ी हो जाती है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी अंडे देने में गुजार देती है। कुछ मजदूर चूंटियां सिपाहियों का काम करती हैं। वो कॉलोनी की हिफाजत करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं और मज़ीद खाने और जगह के लिए दूसरी कॉलोनियों से लड़ते हैं। अगर वो दूसरी चूंटी कॉलोनी को मारते हैं तो वो दूसरी कॉलोनी के अंडे ले लेते हैं। जब वो अंडे निकलते हैं तो नई चूंटियां नई कॉलोनी के लिए काम करने पर मजबूर होती हैं। वो अंडों और बच्चों की देखभाल करते हैं, कॉलोनी के लिए खुराक तलाश करते हैं और टीले बनाते हैं।